हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरके ग्राफिक क्रिएशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फोटो एडिट करना सिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक इमेज ली हुई है, इसको कैसे एडिट करेंगे, कैसे इसका हम कलर वगैरह चेंज करेंगे, और जो इसने जैकेट पहनी हुई इसके ऊपर कैसे पैटर्न ऐड करेंगे, ये सब कुछ सिखाऊंगी। इसलिए आपने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक इमेज है, इसकी सबसे पहले तो आपने कंट्रोल जे से कॉपी कर ली, ठीक है। इसकी आपने कर लेनी है कंट्रोल जे से कॉपी, इसकी आप कर लेंगे कंट्रोल जे से कॉपी। देखिए कॉपी हो गई है। अब इसके ऊपर हम एडिट करेंगे जो भी हमने करना है, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है एडजस्टमेंट लेयर पे, ठीक है। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कितनी ज्यादा ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्टिव कलर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी आप जो कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो भी ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लू आ रहा है, रेड है, येलो है, ग्रीन, कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें रेड ऐड करूंगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका जो स्काई है उसको प्लस कर देते हैं, आप यहां से माइनस कर सकते हैं रेड को या ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहां से इसको ऐड कर ने इसको माइनस कर दिया रेड को, सो इस यान को यहां से। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं कि कलर इसका चेंज होता जा रहा है। यहां से हम थोड़ा सा इसके पिंक ऐड कर देते हैं, येलो थोड़ा सा माइनस कर दिया, इसके बाद ब्लैक को भी, ब्लैक को थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमने कर देना है ओके, ठीक है। ये देखिए मैं आपको ये लेयर ऑफ करके दिखाती हूँ कितना डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद आपने फिर से इस दरी आना है और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस है उसको हम ओके कर देंगे। यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया, ठीक है। अब जो ये इसकी जैकेट आ रही है इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि पैटर्न ऐड करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इन सब लेयर्स को पहले मैं कंट्रोल ई से मर्ज कर देती हूँ। ये देखिए ये अब एक ही लेयर कन्वर्ट हो गया, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर पैटर्न ऐड करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पैटर्न ओवरले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है और जो भी आप पैटर्न ऐड करना चाह रहे हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से इस पैटर्न का जो स्केल है उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका जो स्केल है उसको कम कर देती हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि इसमें पैटर्न ऐड हो गया और इसको जितना भी ऊपर आ रहा है इसको मैं अरेजर टूल की मदद से रिमूव कर दूंगी। इसके बाद आपने अरेजर टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, बार टूल में आके ये देखकर अरेजर टूल आ रहा है, इसको आप यहाँ से ऐसे रिमूव कर देंगे जो भी ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसके ऊपर, इस तरह से। ये देखिए यहाँ से सारा रिमूव कर दिया, ये इसके जो शोल्डर पे भी आ रहे हैं ये पैटर्न के, इसको भी हमने रिमूव कर देना है। इसी तरह से आप इसको राइट क्लिक करके इसका साइज को भी छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका रिमूव कर देंगे सारे को, ठीक है। ये देखिए ये अब हमारा रिमूव हो गया है।
जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा था वो मैंने सारे को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा सा आप इस तरह से इसको लार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे ओके कर दिया और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इधर आया है इसके, सॉरी, इसको मैं रिमूव कर दूंगी। ये रिमूव हो गया। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है डॉज टूल। इसके लिए यहाँ पे आप आएंगे, डॉज टूल से आप इसका जो पैटर्न है वहां पे डार्कनेस देंगे, सॉरी, ये हाईलाइट करेगा। डॉज टूल से हाईलाइट होगी जहां जहां आप चाह रहे हैं कि इसकी हाईलाइट्स आए वहां पे ये हाईलाइट्स देगा। और यहां से फिर हम बर्न टूल ले लेंगे। ये बर्न टूल है जो वो इस पैटर्न के अंदर डार्कनेस का ऐड करेगा, जहां जहां आपको लगे कि डार्कनेस की जरूरत है वहां पे आप इसकी डार्कनेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा। और जो इसकी हम इसकी जो ओपेसिटी है इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि वो आपस में मर्ज लगे इस तरह से। मैं आपको ये लेयर्स ऑफ करके दिखाती कि कैसे, ये देखिए पैटर्न यहाँ पे आ रहा है हमारा जो भी हमने ऐड किया जैकेट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये पैटर्न। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब इन सारी लेयर्स को आप कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना प्यारा लग रहा है ये। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज।